नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। चीन ने शनिवार को अपने रक्षा बजट में 7.1% की वृद्धि कर 230 अरब डॉलर करने का प्रस्ताव दिया है, जो पिछले साल के 209 अरब डॉलर के मुकाबले 21 अरब डॉलर अधिक है। सरकारी अखबार चाइना डेली ने प्रधानमंत्री ली केकियांग द्वारा नेशनल पीपल्स कांग्रेस में शनिवार को पेश मसौदा बजट के हवाले से बताया है कि चीन की सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 1.45 खरब यानी कि ट्रिलियन युआन के रक्षा बजट का प्रस्ताव किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 7.1% अधिक है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गोवा में विपक्ष के नेताओं की फोन टैपिंग हो रही है। एमजीपी नेता सुदीन धवलीकर, गोवा फॉरवर्ड के विजय सरदेसाई, कांग्रेस नेता दिगंबर कामत और गिरीश चोडनकर के फोन टैप किए जा रहे हैं। मोहाली टेस्ट मैच में ऋषभ पंत की धुआंधार पारी को लेकर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये पारी शतक से किसी तरह कम नहीं बताई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 पदों पर प्रधानाध्यापक के पदों पर बहाली निकाली है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन शनिवार यानी आज से शुरू हो जाएगा। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अधिक विरोध का सामना कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन में अपनी सेना की आक्रामकता की व्यापक निंदा भी देखी है, तो पुतिन को चिंता दे रही है। हालांकि इस दावे पर संदेह करने में स्पष्ट कारण यह भी है कि पुतिन को जल्द ही एक महल तख्ता पलट में हटा दिया जाएगा या मौजूदा अभिजात वर्ग को बड़े पैमाने पर विरोध से हटाया जा सकता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने शुक्रवार को बैठक के आखिरी दिन अपने ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान को लेकर अहम ऐलान किया है। इसके अनुसार सभी इस लिस्ट से पाकिस्तान का नाम नहीं हटेगा, बल्कि इसे जून 2022 तक ग्रे लिस्ट में ही रहना होगा। दरअसल इनका कहना है कि पाकिस्तान ने अतिरिक्त मानदंडों के तहत दिए गए कुछ लक्ष्यों को अभी तक पूरा नहीं किया है। FATF के हथौड़े की चोट खाए पाकिस्तान को लगातार कोई ना कोई चोट खानी पड़ी रही है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, रूस और यूक्रेन ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स को सेफ पैसेज देने पर रजामंदी जाहिर की और कहा कि जिन स्टूडेंट्स के हाथों में इंडिया का तिरंगा होगा या जिनके वाहन पर तिरंगा लगा होगा, उनको सुरक्षित यूक्रेन का बॉर्डर पार कराया जाएगा। विश्व में गेहूं के दो मुख्य उत्पादक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देश में गेहूं की भारी कमी हो गई है। भारत और चीन के बाद सबसे अधिक गेहूं की उपज रूस में होती है। रूस विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। पुणे मेट्रो का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हड़बड़ाकर इसे उद्घाटन के लिए कल यानी कि 6 मार्च रविवार को पुणे आ रहे हैं, जिसको लेकर ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने पुणे में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। बताया है कि अभी पुणे मेट्रो का 11.97 किलोमीटर का काम पूरा किया गया है। दिसंबर के अंत तक 33.29 किलोमीटर तक पुणे शहर में मेट्रो का जाल फैलाने का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका और नाटो के आश्वासन के बल पर सुपर पावर रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बड़ी ठोकर लगने के बाद अकल आई है, जिसे जेलेंस्की ने नाटो को धोखेबाज करार दिया है। भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए नए गैर तकनीकी स्नातकोत्तर की भर्ती कर रहा है। आवेदकों ने पीजी अगर 2020, 2021 या 2022 में उत्तीर्ण कर लिया है तो टीसीएस की इस हायरिंग प्रोग्राम में आवेदन कर सकते हैं। अपने एटलस हायरिंग प्रोग्राम के बारे में बताते हुए कंपनी ने कहा है कि टीसीएस एटलस हायरिंग को विशेष रूप से प्रभावशाली प्रतिभा के लिए डिजाइन किया गया है। दशकों पुरानी बैटरी बनाने वाली कंपनी एवरेडी इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट लेवल पर भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। बैटरी बनाने में देश की पुरानी कंपनियों में शामिल एवरेडी के चेयरमैन आदित्य खेतान और सीएमडी अमृतांशु खेतान ने इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को बजट में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए प्रदेश को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार का प्रयास रहेगा कि प्रदेश की शत प्रतिशत आवश्यकताओं को अक्षय और हरित ऊर्जा से पूरा किया जाए। ऐसे करने में सफलता मिलती है तो हिमाचल देश का पहला पूर्णतः हरित राज्य बन जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में बड़ी संख्या में भारत से मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्र फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित भारत लाने के लिए सरकार अभियान चला रही है। इन बच्चों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हर साल औसतन 20,000 बच्चे विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। रूसी सेना पूरी कोशिश में है कि कीव पर अपना कब्जा जमा ले। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार एलेक्सी एरस्टोविच ने कहा है कि यूक्रेन की सेना को दुर्घटनावश या फिर भाग्यवश सफलता नहीं मिल रही है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन स्थायी सदस्य के पद से उसे हटाना संभव नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सुझाव दिया था कि पिछले सप्ताह यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मद्देनजर मॉस्को को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख निकाय के पद से हटा देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोराहाट ने इन तमाम परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और अन्य समेत कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार CSIR NEIST की ऑफिशियल वेबसाइट NEIST.RES.IN पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट सीधे इस लिंक www.NEIST.RES.IN पर इन पदों के लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं। भारतीय डाक ने तमिलनाडु सर्कल में स्टाफ कार ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए 10 मार्च 2022 तक या उससे पहले आवेदन करने का विकल्प दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस प्रक्रिया के माध्यम से स्टाफ कार ड्राइवर के कुल 11 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें मेल मोटर सर्विस के लिए 7 पद, सालेम वेस्ट डिवीजन के लिए 2 पद, तिरुपर डिवीजन के लिए 1 पद और इरो डिवीजन के लिए 1 पद शामिल है। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार के मुद्दे पर विवाद और बढ़ गया है। देश के संघीय शरीयत कोर्ट ने इस मामले में संघीय मानवाधिकार मंत्रालय को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर बड़ी खबर आई है कि रूस सीज फायर को राजी हो गया है। भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे के बाद दो से यूक्रेन के दो शहर यानी कि मारियोपोल और वोलोनवाख पर किसी भी तरह का हमला नहीं किया गया, जहां आम लोग फंसे हुए हैं। अब ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इन लोगों को निकालने का काम आसान नजर आ रहा है। इससे पहले खबर थी कि नाटो ने अपनी सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को लेकर शुक्रवार को आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं और उन्होंने पोलैंड में जाकर शरण ले ली है। हालांकि जेलेंस्की ने इसको झूठा साबित करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो कीव में स्थित अपने कार्यालय में है। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण बन रही हालातों से आपकी जेब पर भारी असर पड़ने की आशंका है। स्मार्ट वॉच हो या कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन, आपकी गाड़ी हो या घंटों इस्तेमाल में आने वाला लैपटॉप, तकनीक के वो सभी गैजेट जिन्होंने हमारी आपकी जिंदगी को सरल बनाया है, वो चिपसेट यानी कि सेमीकंडक्टर की बदौलत बनता है। तकनीक से जुड़ी रोजमर्रा की सभी चीजें अब महंगी होने की आशंका है। वजह है यूक्रेन रूस के बीच में हो रहा युद्ध। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनका यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध से क्या लेना देना है, तो आपको हम बता दें कि इसमें से कई सारी चीजें हैं जिनका डायरेक्ट आयात निर्यात रूस से होता है। बैंक में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा अवसर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। सभी इच्छुक उम्मीदवार के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 31 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इस प्रक्रिया के माध्यम से चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के एक पद, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के एक पद और डिप्टी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के 2 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में हर महीने मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को 1001 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को भी घटाकर 60 साल कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में इसका ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शनिवार को घोषणा की है कि दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जबकि देश के क्रिकेट बोर्ड ने इस महान खिलाड़ी के सम्मान में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के एक स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 5921 नए मामले आने के बाद ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,57,477 पर पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 63,878 पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से शनिवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 289 मरीजों की जान गई है। केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद को आगे आ रही है। सरकार का मकसद लोगों को सशक्त और मजबूत बनाना है। इस बीच अगर आपका नाम ई श्रम कार्ड से जुड़ा है तो फिर आपकी मौज आने वाली है, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों पर मेहरबान होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बड़े पैमाने पर तेजी से परिवहन समाधान के लिए बिजली आधारित तकनीक की तलाश कर रहा है, जो कि लागत प्रभावी हो और देश में निर्मित की जा सके। मंत्रालय का इरादा पहाड़ी और भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में रोपवे बनाने का है। देश में बढ़ती महंगाई के बीच पाकिस्तान के नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के अध्यक्ष और पूर्व प्रांतीय मंत्री मियान जाहिद हुसैन ने बुधवार को कहा है कि भारत से कच्चे माल और अन्य आदानों के प्रत्यक्ष आयात से उत्पादन की लागत कम होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत के मुकाबले अब चीन की आर्थिक गति को झटका लगने वाला है। पड़ोसी देश की आर्थिक वृद्धि पर वैश्विक घटनाओं का असर अब पड़ा है। चीन की सरकार ने इसी को लेकर पहले लगाए गए अपने अनुमान को अब कम कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने शनिवार को कहा कि इस साल देश की आर्थिक वृद्धि की दर 5.5% रह सकती है, जो कि पहले के अनुमान से काफी कम है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है टुनटुन यादव, रंजन कुमार, रोहित कुमार, गोनार शर्मा, रंजन सिंह, रंजीत मिश्रा, सचिन कुमार, गौतम कुशवाहा, अनिल कुमार गुप्ता, सागर सिंह रवानी, प्रिया रॉय, शिकीर्तिका ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की केंद्र सरकार की भूमिका से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।